फ्रेंड्स, ज्योति जैन का आप सबको सुबह का गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, मैं अपनी किचन में एंट्री कर चुकी हूँ और मैंने सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी गेर दिया है और उसके बाद मैंने इसमें हींग और थोड़ी मैं मेथी गेरूंगी। मेथी इस तरीके से दिखती है फ्रेंड्स, ये देखिए। क्योंकि सीताफल की सब्जी बना रही हूँ आज मैं, तो सीताफल की सब्जी मेथी में बहुत स्वाद बनती है। और यूँ कहते हैं कि सीताफल में बादी वगैरह होता है, तो मेथी गेरने से इसकी बादी वगैरह मर जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। तो फिलहाल मेरी सीताफल कट के तैयार हो कर लिया था मैंने, पहले ही उसको धो के रखा हुआ है मैंने चलनी में। अब ये मेरी जैसी मसाला थोड़ा सा हींग और मेथी भुन गई अच्छी तरीके से, उसके बाद मैंने सीताफल गेर दिया है। सीताफल गेरने के बाद मैं इसमें फ्रेंड्स मसाले गेरूंगी। सबसे पहले मैंने हल्दी पाउडर गेरा है, उसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर गेरूंगी। धनिया पाउडर गेरने के बाद मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर गेरूंगी। लाल मिर्ची पाउडर के बाद मैं इसमें नमक गेरूंगी स्वाद के हिसाब से। उसके बाद मैं इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले ही पानी होता है। मैं बिल्कुल ही ऐसे ही इसको ढक दूंगी, क्योंकि इसमें से थोड़ा बहुत पानी अपने आप ही निकलता ही है। मतलब अब मेरी सब्जी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी बनके तैयार है सीताफल की। इधर मेरी सीताफल की सब्जी बनके तैयार है, उधर आज मैं सबके लिए नाश्ते में थेपले और खाकरे बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की बहुत दिन से इच्छा थी थेपले खाने की। ऐसे ज़्यादा अच्छी तरीके से मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन जैसे भी मुझे बनाने आता है तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। लेकिन बनाने के बाद हो सकता है ये स्वाद बने। चलो फिलहाल मेरे थेपले सिक रहे हैं, इधर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए मेथी वगैरह डाली है मैंने इसमें, इस तरीके से मेरे थेपले तैयार हैं। इधर मैंने खाकरे भी तैयार कर लिए हैं। बेटी मेरी खाना खाने के लिए बैठेगी तो मैं उससे पूछूंगी कि बेटा मैंने कैसे बनाया, तब वही बताएगी आपको कि मैंने कैसे बनाया है। फिलहाल देखिए मैं खाकरा तोड़ के दिखा रही हूँ, करारे करारे बने। इसके ऊपर चाट मसाला गेरा है मैंने। अब फिलहाल हम सब खाना खाने बैठ गए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रंची बना है ये। आवाज़ फिलहाल आपको आ नहीं रही होगी, लेकिन मेरे हाथों के तोड़ने के अंदाजे से आप समझ रहे होंगे बहुत करारे बने। आइए फ्रेंड्स, नाश्ता कीजिए हमारे साथ। नाश्ता वगैरह करने के बाद फ्रेंड्स, मैं अपने कपड़े धोने चली गई थी बाथरूम में, और उसके बाद मैं अपने कपड़े छत पे ले आई थी। कपड़ों में मैंने अपनी छत पे डाल दिए हैं, धूप अच्छी है, कपड़े सूख जाएंगे मेरे अच्छी तरीके से। सोफ़े के कवर वगैरह सब धोए मैंने आज, क्योंकि बहुत दिन से सोची थी इनको धो लूँ, तो आज मैंने इनको धो के सुखा दिए फ्रेंड्स। फ्रेंड, जब मैं छत पे से आई तो मैं सीधे किचन में चली गई थी, क्योंकि आज मैं सांभर की दाल सोच रही थी बनाने के लिए, सांभर बनाने की सोच रही थी। बेटा कह रहा था मम्मी आज सांभर और राइस बना देना, तो फिलहाल मैंने दाल चढ़ा दी है और दाल का उफान था वो निकाल दिया है। उसके बाद ये थोड़ी सी सब्जी काट के रखी है मैंने, इसमें डाल दी है सीताफल है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, प्याज है ये, और थोड़ी सी अदरक है मैंने इसमें डाल के सीटी लगाने के लिए रख दी है। दाल में सीटी आ चुकी है, दाल मेरी तैयार है फ्रेंड्स। इधर मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। तड़के में मैंने राई गेरी है, हींग गेरी है, कड़ी पत्ता गेरा है और दो हरी मिर्ची गेरी है। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी खटाई गेर दी है। इधर मेरा तड़के का मसाला तैयार है फ्रेंड्स, और बस फिर मैं उसके बाद मैं आराम से बैठूंगी। जब मेरा ये प्रॉपर खाना तैयार हो जाएगा तब मैं आपसे आराम से बैठ के बात करूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक आपसे फेस टू फेस बात नहीं करी है। चलिए फ्रेंड, मेरी इधर दाल तैयार हो चुकी है सांभर की, और उधर मेरे राइस तैयार हो चुके हैं। अब जिसको जब खाना हो अपनी मर्जी से खाते रहेंगे, मैं तो थोड़ा आराम से ही खाऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम मुझे एक ही टाइम खाना है फ्रेंड्स, इसलिए। ये देखिए खाने के बाद की मस्ती हो रही है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी बेटी को इसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, क्योंकि मेरी बेटी की बहुत टाइम से इच्छा थी कि मम्मी मुझे बहुत बड़ा टेडी बियर चाहिए। और मैंने कहा बेटा कितना बड़ा चाहिए, तो कह रही मम्मी कम से कम मेरे साइज़ जितना तो चाहिए। तो स्पेशल मैंने इसके साइज़ जितना ऑर्डर दे के बनवाया था, क्योंकि आपको पता है एकदम से इतना बड़ा टेडी बियर तो मिलता नहीं, तो ये मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया था। मिली हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और ज्योति जैन का आप सबको नमस्ते, जय जिनेन। फ्रेंड्स, आज आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, और अगर कोई भी कमी हो तो मुझे बताते जाना, जिससे मैं अपनी कमी सुधारती जाऊंगी। चलो फिलहाल फ्रेंड्स, मेरा दोपहर तक का काम हो गया है, मैं किचन से आ गई हूँ। आते ही मैंने
पहले बाल खोले हैं क्योंकि मेरे बाल क्लेचर हो रहे थे, मैंने आज सिर धोया था, आज मेरा मंडे का बर्थ है फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने आपसे बात करी है। हेलो आय करने के बाद अब मैं आपसे थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने शाम को अपना बर्थ खोलने के लिए आलू की सब्जी बनाई है तरी वाली, और इसके साथ मैं सोच रही हूँ अपने लिए पूड़ी बना लूँगी। लेकिन पूड़ी ऐसा है कि कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे पूड़ी, बेटी भी नहीं खाएगी पूड़ी, तो मैं इनके लिए तो थोड़े से फुलके बना दूँगी, और अपने लिए और बेटे के लिए मैं पूड़ी बना लूँगी, क्योंकि ये यूँ कहते हैं कि मुझे पूड़ी पसती नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि बस बर्थ वाले दिन मुझे अच्छी लगती हैं पूड़ियाँ खाने में, और उसके संग बस एक रेशे की सब्जी हो आलू टमाटर की, तो आलू टमाटर की सब्जी बना ली मैंने थोड़ी सी, और इन लोगों के लिए तो फ़िलहाल मैं अभी फुलका सेक रही हूँ। पूड़ी का आटा लगा के रख लिया है फ्रेंड्स मैंने, अब एक साइड में अपनी पूड़ी बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी पूड़ी भी बन के तैयार हो रही हैं, बस फटाफट ये सेक के मैं एक ही बार में, मतलब बार बार किचन में आने को मन नहीं कर रहा, इतनी गर्मी लग रही है मुझे और इतनी ज़ोर से भूख लग रही है इस टाइम, बस सोच रही हूँ फटाफट मेरा खाना बन के तैयार हो जाए और मैं जल्दी से अपना बर्थ खोलूँ। तो फिलहाल मेरी पूड़ी सिक चुकी है फ्रेंड्स सारी, और मेरी प्लेट भी लग के तैयार है फ्रेंड्स, तो अब मेरे बर्थ खोलने की तैयारी शुरू हो गई है फ्रेंड्स। आइए आप भी खाइए। फ्रेंड्स मेरा खाना तैयार है, अब मैं खाना खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, सोमवार का व्रत है, तो आप भी आइए मेरे साथ खाना खाइए, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ खाना खा के, ठीक है फ्रेंड्स। खाइए आप भी, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपसे। अब मेरा सारा काम हो गया फ्रेंड्स शाम तक का, मैं खाना खा के, मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा आटा बच गया था तो उसकी पूड़ियाँ सेक के रख दी सबके लिए। अब क्योंकि हमारे यहाँ यूँ नहीं है कि सबको गर्म ही गर्म का शौक है, बना के भी रख दूँगी ना शाम के टाइम तो ठंडा भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सबको कि भाई एकदम से उसी वक्त बनाओ और उसी वक्त खाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, और फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ कल मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ज्योति जैन को जाने की इजाज़त दीजिए, ठीक है, नमस्ते, बाय बाय।